हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का तरु वाटिका में। दोस्तों, अब गुलदावरी, सेवंती और या फिर आप क्रिसैंथमम बोल दो, इनका अब सीजन मोस्टली जाने को है। और इनको अगले सीजन के लिए कैसे सेव रखना है तो वो अब टाइम आ चुका है। क्योंकि अगर देखिए, इस टाइम जो है कॉमन प्रॉब्लम है इंसेक्ट की, हम ऐसे टाई करके रखते हैं तो देखिए जो हवा और धूप होती है वहाँ जा नहीं सकती, ऐसे जो बंच बन जाते हैं ना उसके बीच में, तो इस तरह से ये देखिए ये इंसेक्ट वगैरह लग जाते हैं इस टाइम पर। ये देखिए, ये कॉमन प्रॉब्लम है, ब्लैक ब्लैक इंसेक्ट आपको दिख रहा होगा और काफ़ी सारे ये नीचे भी झड़ जाते हैं एकदम। तो हमें ये अगले सीजन में भी चाहिए प्लांट, तो उसके लिए अब क्या करेंगे, हम इनको काट देंगे। क्योंकि देखिए इंसेक्ट लगे हुए हैं ना, तो इंसेक्ट लगे हुए हैं तो इनको काटना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आसपास के जो प्लांट हैं, रोज़ का है और है, उनमें भी ये अटैक कर सकते हैं इंसेक्ट, तो इसलिए हमें इनका काटना बहुत ज़रूरी है। अगर एक दो फ्लावर है भी इसमें या बड भी आई हुई है तो उसका लालच ना करें, और प्लांट को सेव रखने के लिए ठीक है उनका कट करना जरूरी है। अब हम अगले सीजन के लिए इन प्लांट को कैसे सेव रखें, क्या टिप्स अपनाएं, किन बातों का ध्यान रखें, वो मैं आपसे शेयर करूंगी आज। और साथ साथ आपको मैं ये काम भी कर लेती हूँ अपना, और आपके साथ वीडियो भी शेयर हो जाएगी एक, बहुत ज़रूरी। क्योंकि देखिए सबके ऐसे ही कॉमन प्रॉब्लम होगी सबके प्लांट्स में गुलदावरी के, तो जो बिगनर्स हैं वो हमें तो पता है कि इस टाइम ऐसा कुछ होता है, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको इतना पता नहीं होता, तो उनके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इन सबको जो भी टाई किया हुआ है, जो भी टाई किया हुआ है ये सब आपने उड़ा देना है ठीक है। और इसके बाद ये देखिए इनमें काफ़ी सारे प्लांट हैं। फिर हमने क्या करना है, ये देखिए इसके बेबी प्लांट भी निकले हुए हैं इसमें से। फिर हमने क्या करना है, ये नीम ऑयल का स्प्रे है, एक एक पोट पे मैं आपको करके दिखाती हूँ सारा कुछ, क्योंकि सब पे करके दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये नीम ऑयल का स्प्रे है, मैंने पहले भी कई बारी बताया है, एक लीटर में एक ढक्कन नीम ऑयल का डालकर मिक्स करके अच्छे से और ऐसे, और फिर इसके ऊपर स्प्रे कर देना है। क्योंकि प्लांट को काटते हुए प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग करते हुए कोई ना कोई इंसेक्ट मिट्टी में भी गिरा होगा, और जो ये सक्कर्स हैं इनमें भी हो सकते हैं नीचे, तो उनको अभी से ही उनका ट्रीटमेंट कर दो तो ये आगे नहीं बढ़ेगी इसमें बीमारी ठीक है। ये कर दिया हमने नीम ऑयल का स्प्रे, अब उसके बाद हम इनकी इसकी ऐसे गुड़ाई कर देंगे। गुड़ाई करने के बाद हल्की हल्की गुड़ाई करने के बाद जो थोड़ी सी गोबर खाद, ये गोबर खाद है आपके पास तो थोड़ी 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 डाल दीजिए बिल्कुल। और इतना काटना है प्लांट के, ये मिट्टी से 2-3 इंच ऊपर ही से ही काटना है ठीक है, 2-3 इंच छोड़कर। ये थोड़ी थोड़ी गोबर खाद डाल दी, सभी उसमें डालनी पड़ेगी मुझे थोड़ी थोड़ी। और अब इसके बाद ये हमारा येलो था, येलो वाला था, तो येलो टैग लगाकर ये देखिए इस तरह से मैंने लिखे हैं इनके ऊपर। ये वुडन स्पून है, प्लास्टिक की स्पून पे भी लिख सकते हो आप, येलो टैग लगाकर लिख के वो इसमें हमने गाड़ देना है ऐसे ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ऐसे लगा देना है ताकि हमें याद रहे नेक्स्ट सीजन पे कि हमारे पास कौन सा प्लांट था, कौन से कलर का प्लांट है फ्लावरिंग आने से पहले। और फिर इसके बाद हमने अगर कटिंग लेनी है नेक्स्ट सीजन के लिए, हमने और कटिंग तैयार करनी है येलो कलर की, तो एक हेल्दी सी स्टेम लेकर ये देखिए, जैसे ये है
ये हेल्दी सी स्टेम लेकर इसमें लगा देनी है ताकि हमारे और प्लांट तैयार हो सकें। अभी तो हमने इन प्लांट को पॉट को वहीं रख देना जहां से उठाया था, डायरेक्ट सनलाइट में। जब बारिशें वो सॉरी जब तेज गर्मी पड़ेगी मार्च में या अप्रैल में, अपने अपने जोन के अकॉर्डिंग इनको सेमी शेड में रख देना है, ज़्यादा धूप में नहीं छोड़ना है। और जब फरवरी सॉरी जब बारिश आएंगी तब ये कटिंग जो है ये ग्रो हो जाएगी, इनकी रूट्स निकल जाएगी एक महीने में, तो इनको हम अलग पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमें पता होगा हमारे पास किस कलर की कितनी कटिंग है और क्या हमारे पास कलर है, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये तो इसमें तो इंसेक्ट थे। अगर आपके प्लांट में इंसेक्ट नहीं भी हैं तो भी आप ये काम अभी कर सकते हैं या फिर फेब में कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रुक सकते हम लोग। तो ये देखिए, ये सब मैंने ये काम कर दिया है, अब इसकी बारी है, इसमें भी सेम ही प्रोसीजर होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम नेक्स्ट सीजन के लिए गुलदावदी को कैसे सेव रख सकते हैं इस टाइम के। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, जो भी प्लांट आपके पास हैं उनके एक दो फूलों का लालच मत करिए। अगर उनमें इंसेक्ट लगे भी हुए हैं तो उनको यहाँ से दिख रहा होगा आपको, यहाँ तक छोड़कर बाकी ऊपर का सब कट कर दो। और मिट्टी में गिरे होंगे इंसेक्ट, नीम ऑयल का स्प्रे कर दो मिट्टी में, जो सक्कर्स हैं बेबी प्लांट्स हैं उनके ऊपर, फिर गुड़ाई कर दो। और उसके बाद थोड़ी थोड़ी गोबर खाद दे दो, अगर आपके पास गोबर खाद है या कोई और कंपोस्ट है तो वो दे दो थोड़ी थोड़ी। और उसके बाद अगर उस प्लांट की कटिंग लगानी है आपने तो उस ही पॉट में कटिंग लगा दो एक हेल्दी सी निकाल के, और उसमें एक टैग लगा दो उस कलर का, ताकि आपको याद रहे कि अगले सीजन में हमारे पास कौन कौन से कलर हैं। अगर आपने शॉपिंग करनी है तो डिफरेंट कलर लेके आओ, ठीक है। ये तो था कुछ बातें जो हमने ध्यान रखनी है कि हम अगले नेक्स्ट सीजन में हम सेवंती क्रिसेंथमम को कैसे सेव रख सकते हैं। इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर तो बनता ही है, और बेल आइकन के साथ ही करें, क्योंकि बेल आइकन के बिना न्यू वीडियो का अपडेट आपको नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।